बस्ती जिले से जो है रविंद्र आनंद बौद्ध जी हैं, जो आज एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि बौद्ध दीक्षा ले करके चीवर ले रहे हैं, और जो आज इन्होंने बहुत बड़ी यह सोच में परिवर्तन किए हैं कि आज ये नवयुवक हो करके और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि समाज को एक दिशा दे रहे हैं कि जो दिशा दे रहे हैं कि जो नवयुवक है उनको धम्म की दीक्षा लेना चाहिए, चीवर लेना चाहिए, जिससे वो समाज में समाज की सेवा कर सके। और यह सब कार्य जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला संयोजक भी हैं, और साथ में बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं और भी संगठन के जो आपके साथ में इस कार्य में शरीक हैं। तो आज मैं कुछ बात करता हूँ, ये बताइए रविंद्र जी, आज आप ये चीवर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिल रहा है, कैसी शांति महसूस कर रहे हैं, कैसा फील महसूस कर रहे हैं, आप दो शब्द बताएं। मुझे अनंत सुख मिल रहा है, आज ये सौभाग्य है हमारा कि ये चीवर जो है ग्रहण करने जा रहा हूँ, और ऐसा सुखद समय जो है हर बार नहीं मिलता है, जीवन में एक बार मिलता है, और हर एक लोगों को अगर बुद्ध धर्म से प्रेम है तो उसे अवश्य चीवर लेना चाहिए और धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप चीवर लेकर के आगे का क्या है आपका प्लानिंग है, कैसे समाज की सेवा करेंगे, क्या करें, किस तरह से करेंगे? चीवर को ग्रहण करके मैं गांव-गांव में जा करके धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, और साकेत मुक्ति आंदोलन जो है दी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो धरोहर था जिसको मनवादियों ने कब्जा कर लिया है उसको छुड़ाने का पूरा प्रयास करूँगा, और जो है वो बौद्ध विरासत है उसको जो है हम बौद्ध लोग ग्रहण करेंगे। अच्छा, क्या आप शादीशुदा हैं? जी। तो आप चीवर ले रहे हैं तो क्या आपके घर के सारे सदस्यों की अनुमति है? जी, मेरी पत्नी की अनुमति। अच्छा। पत्नी की अनुमति। आपकी पत्नी आपको अनुमति दी इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। भंते जी, आप देखे हमारे साथ में भंते जी संग सागर भंते जी हैं, जो भरतपुर जो के बौद्ध बिहार में उपस्थित हैं। आप ही के द्वारा जो है ये चीवर आपको दिया गया। भंते जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये रविंद्र जी इतना बड़ा कार्य जो है कर रहे हैं, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे, इनको दिशा निर्देश देंगे? क्या बताएं इनको, ये चीवर का बहुत बड़ा महत्व है, चीवर का इन्होंने लड़ाई से धर्म का प्रचार करें अच्छे ढंग से, चीवर पर छीटा ना आने पाए, चीवर की बदनामी ना होने पाए, जितना दिन चीवर में रहें उतना दिन समाज का काम करें, समाज को देखते रहें, धर्म को देखते रहें, और सबको बचाते हुए सबका मान सम्मान रखते हुए, और इसके बाद जो चीवर दान करना होगा तो यहीं बौद्ध विहार पर चीवर आकर के दान कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए साथियों कि इतना बड़ा कार्य आज बस्ती जिले में जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से हुआ है, और इसी तरीके से आपने आपके विचारों को सुने होंगे कि ये क्या करना चाहते हैं समाज के लिए और साकेत नगरी के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको जो है रविंद्र आनंद बौद्ध जी ने बताएं। और साथ में ये आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये बौद्ध बिहार का दृश्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मूर्ति नहीं लग पाई है क्योंकि इसकी व्यवस्था की जा रही है, बहुत जल्द ही यहाँ मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा प्रांगण है, ये पूरा प्रांगण देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी लोग साथ में आए हैं जो उपस्थित हैं आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी व्यवस्थाओं के साथ आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं शिवाजी पासवान, बस्ती रिपोर्टर,